हाय गाइस, तो आज मैं आ पहुंची हूँ आशियाने में, ये स्मृति उपवन में। और जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भारत महोत्सव लगा हुआ है। ये लगा हुआ है 30 नवंबर से, जो कि रहेगा 14 दिसंबर तक में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो मेन गेट है, यहाँ से आपको एंट्री करनी है अंदर। उससे पहले आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट लेना है। टिकट 30 रुपये पर पर्सन टिकट है, तो आप जितने भी पर्सन आते हैं आपको टिकट उस हिसाब से लेना है। और यहाँ पे जस्ट टिकट के सामने यहाँ पे इतनी पूरी फील्ड दी हुई है, मैं दिखा दूँ आपको, देख लीजिए। पार्किंग का इधर 2 व्हीलर पार्किंग है, उधर 4 व्हीलर पार्किंग है। और पार्किंग के भी आपको 2 व्हीलर पार्किंग 20 रुपीज़ है, 4 व्हीलर के आई थिंक उससे ज़्यादा होंगे, वो नहीं पता, लेकिन 10-15 रुपये होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं हुआ। तो ये पूरा पार्किंग दिया हुआ है। और चलिए फिर यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे। टिकट लेके मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग आए हुए हैं आफ्ताब, हम दोनों अंदर जाएंगे और एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। और आपका व्लॉग विश्रामा में वेलकम है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ से जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे पूरे फर्नीचर का दिया हुआ है। फ्रंट में आप देख सकते हैं ये सारे फ्रंट्स में पूरे टोटल फर्नीचर का दिया हुआ है। तो फ्रंट में मैं एक शॉप पे हूँ, एक स्टॉल पे। ये भैया हैं। भैया आपका नाम? मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब, आप इसको ले लीजिए। मोहम्मद साकिब, तो ये आप कितने, ये जो सारे वुडन प्योर वुडन के हैं जी मैम, कितने पर पीस के हिसाब से कितने में है? मैम अलग अलग रेट है सभी के। जैसे इस गाड़ी का 400 रुपये, 400 रुपये पर। और ये किरिंग वगैरह 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ में। तो ये जितने भी हैं, आप कहाँ से आए हैं? सहारनपुर। सहारनपुर, सहारनपुर के फर्नीचर की ये सारी चीज़ें जी मैम। और ये बहुत ही खूबसूरत है, ये ट्रे है। ट्रे ये कितने के भाई? मैम 300 रुपये के। 300 रुपये पर पीस का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया के पास काफ़ी चीज़ें हैं, किचन से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। ये स्पैचुला वगैरह भी है। आप ये पर पीस कितने? ये 50 रुपये पर पीस है। 50 रुपये पर पीस की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट उसी स्टॉल के सामने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत से सोफे हैं। और इधर पूरा ही फर्नीचर का है। वॉच आप ले सकते हैं, फर्नीचर ले सकते हैं, झूले भी। भैया ये झूला भी उसको कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं। तो मैं एक बार ये आफ्ताब बैठ कर रिलैक्स कर रहे हैं, तो मैं एक बार यहाँ भैया जो दिख रहे हैं उनसे पूछ लेती हूँ सोफे का प्राइस क्या है, और इस स्टार्टिंग प्राइस क्या है, और उसके साथ में झूले का प्राइस क्या है। ठीक है। हाँ तो भैया आपका नाम क्या है? मैडम तस्लीम है मैम। तस्लीम अहमद भाई है। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग, ये आप इसको पेंट कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कितनी प्राइस से स्टार्ट है सोफा सेट? सोफा सेट 25,000 से स्टार्ट है। 25,000 से ये पर स्टार्ट है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत से कलेक्शन। और उधर डाइनिंग सेट भी है, वो कितने से स्टार्ट है भाई? डाइनिंग सेट है 35,000 का है। 25 से स्टार्ट है सोफा, नहीं सोफा 25 से स्टार्ट है, और डाइनिंग सेट आपको 35 से स्टार्ट है। बेड की प्राइस क्या होगी भाई? बेड की 35। बेड भी उधर, बेड भी दिखा देते हैं आपको कि डबल बेड है, बहुत ही खूबसूरत सा काम हुआ रखा है। तो वो 35 से बेड भी स्टार्ट है, सारे हैंडवर्क है। और ये भाई कहाँ का? सहारनपुर। ये सारे जितने फर्नीचर सब सहारनपुर के ही हैं। और ये पीछे आपके झूला है, वो कितने की है? ये पड़ेगा 22,000 का है। 22,000 का है। जितने भी यहाँ पे झूले हैं वो 22,000 से स्टार्ट प्राइस। और ये सारे जितने भी फर्नीचर वाले आप देख सकते हैं पूरा इधर से उधर, ये पूरा का पूरा सहारनपुर, सहारनपुर से सब आए हुए हैं भाई लोग। और ये यहाँ पे पूरा ये भारत महोत्सव में लगा हुआ है, जिसके प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, जितने हम लोग मार्केट से लेते हैं सेम इसी प्राइस से ही है। और नक्काशी हैंडवर्क बिल्कुल है, आप ये देख सकते हैं पूरा हैंडवर्क, और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट भी, आप बैठ के भी देखिए बहुत ही सही है। तो आप आए यहाँ पे तो एक बार इस हिसाब से आए देख के वीडियो, कि आप यहाँ पे अगर कुछ परचेस करना चाहे वुडन में तो आप ज़रूर परचेस किए, बहुत ही अच्छा है। एक बार फिर से नाम बता दीजिए भाई। तस्लीम भाई हैं। यहाँ पे जब एंट्री करते ही सोफ़ा सेट है, बस वहीं पे तस्लीम भाई, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। ओके, मैं आगे आपको और दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ है। ये आप देख सकते हैं पूरा वुडन का, पूरा वुडन का, ये सारे सारे जितने वुडन के सब सहारनपुर के, पूरे सहारनपुर के ही जगह के ये सारे वुडन वाले लगे हुए। तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप तब वहाँ जा रहे हैं किरिंग के पास, लग रहा है उन्हें लेना है। टेबल ये यहाँ पे कॉफी टेबल आप ग्रीन एरिया में अपने रख सकते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा काफी सारा छोटे छोटे से टेबल, कॉफी टेबल जो आप अपने ग्रीन एरिया में रख सकते हैं, गार्डन में रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है लकड़ियों का, फर्नीचर का, जो भी कलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये छोटे छोटे सर आप चेयर देख सकते हैं, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। सहारनपुर के हैं सब, और वहाँ पे 200 की सेल भी लगी हुई है।
तो अभी फर्नीचर के बाद में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कपड़ों का है, जो ब्लॉक ए ब्लॉक बी करके दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक ए ब्लॉक बी करके है रो में। तो अभी हम लोग यहाँ पे आप नीचे देखिए डोरमेट है वेलवेट के, उधर सूर्य के इधर यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कि फाउंटेन है जो कि बड़ा ही खूबसूरत खूबसूरत सा फाउंटेन है। तो एक दो इसकी प्राइस जान लेते हैं, प्राइस कितने की फाउंटेन की है। प्रपोज कर तो मैम आपका नाम रजनी सिंह। ओके, तो रजनी मैम हैं जो कि इनकी ये शॉप है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से आप देख सकते हैं ये सारे डेकोरेशन पीसेस हैं और साथ में वाटरफॉल है जो फ्रंट में भी मैंने आपको दिखाया था। तो ये वाटरफॉल की प्राइस क्या है मैम? 8,500 के। 8,500 का ये बुद्धा जी का वाटरफॉल है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं बुद्धा जी है। और ये सामने जो बुद्धा जी की फेस हैंगिंग के लिए है ये 16,500 का है। 16,500 या 16,500 की प्राइस है और ये मुझे बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है ये और ये चीज ये कितने की है? ये मैम दो का सेट आएगा 1150 में आपको ये दो का सेट मिलेगा जो कि बड़ा ही खूबसूरत आप डेकोरेशन। अच्छा वॉशेबल है, सबसे अच्छी बात है कि वॉशेबल है कि आप वॉश कर सकते हैं गंदा होने पे। और यहाँ पे आप देखिए सारे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। स्टार्टिंग प्राइस क्या है आपके यहाँ पे? देखिए वाटरफॉल हमारे पास 1850 से स्टार्टिंग हो जाते हैं, फिर आपको 4,500-5,500 और शोपीसेस वगैरह वो भी है तो 550 से स्टार्टिंग है वो भी हमारे पास। तो आप मैडम ने जैसे बताया स्टार्टिंग प्राइस यहाँ से 550 से शोपीस है और वाटरफॉल 8,500 से 1800 से स्टार्टिंग है। तो आप यहाँ पे जरूर परचेस कीजिए, जो लकड़ियों का वुडन का खत्म होने के बाद में ब्लॉक बी में इनका है ये जस्ट सामने, तब जरूर विजिट कीजिएगा। ओके आगे चलते हैं, आगे क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हेयर के लिए आपको मिल जा रहे हैं अपने बालों के लिए, और यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल सा कुर्तीज पेंटिंग और कश्मीर वुलन कुर्ती सूट स्टॉल ये सारा जो है कि साड़ियाँ हैं। साड़ियों की प्राइस वो 200 से स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे ये स्वेटर है वुलन सूट, ये ऑरेंज वाली वुलन सूट की भी जो प्राइस है यहाँ पे 8,850 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है। और ये जो अभी आपके सामने ये जो मेरे हस्बैंड देख रहे हैं ये 850 की सिर्फ कुर्ती फुल एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलेक्शन है। जो शॉल है वो शॉल का भी जो प्राइस है वो इसी तरह से जो 8,500 से पश्मीना शॉल है वो स्टार्ट है, और ये जो शॉल हाथ में है वो भी इसी प्राइस में है। तो ये सारे यहाँ पे सूट के थे। और यहाँ पे अचार ये पूरे मतलब हम ये माउथ फ्रेशनर की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। एम सारीज बनारस से जावेद भाई हैं। बनारस में आपकी शॉप कहाँ पे होगी? रेवड़ी तालाब पार्क के पास। तो इनके पास में आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन हैं साड़ियों के सूट और साथ में दुपट्टा फैब्रिक लेके जो सूट बनवाना उसका भी कलेक्शन है। तो एक बार प्राइस जान लेते हैं, तो दुपट्टे की प्राइस आपके यहाँ कितने से स्टार्ट है? 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक की दुपट्टे की प्राइस है। तो कोई सैंपल आप दिखा सकते हैं 100 रुपये और 500 रुपये के दुपट्टे में? तो एक बार हम लोग सैंपल सैंपल देख लेते हैं। देखिए ये प्योर में दुपट्टा है 500 का। ये 500 का दुपट्टा है, इस पर बहुत ही जरी की एम्ब्रॉयडरी दी हुई है बहुत ही अच्छी। और कपड़ा कौन सा है ये? प्योर सिनोन का कपड़ा है और ये बनारसी दुपट्टा गोल्डन और वाइट हाफ वाइट कलर में ये 400 का। आप इसको कलर कराना चाहें अपने किसी भी सूट के मैचिंग से तो कलर करा सकते हैं। 100 रुपीज़ वाले दुपट्टा भी एक बार हम लोग देख लेते हैं उसमें क्या किस तरह का दुपट्टा है। प्लेन दुपट्टा आएगा 100 रुपीज़ से। ओके ये 100 रुपीज़ का दुपट्टा भाई ने दिखाया है। कलर भी बहुत सारे आएंगे। कलर भी और इसमें ऑलरेडी इतने सारे कलर है कि आप किसी भी सूट पे ले सकते हैं, बहुत सारे कलर हैं आप अपने सूट के मैचिंग के हिसाब से ले सकते हैं। और साड़ियों की प्राइस क्या होगी? वो पिंक मर्जेंटा पिंक वाली जो है वो करीब 1800 रुपए में। और इसी साथ में जो सूट है पिंक कलर में सूट जो भी है ये हजार के रेंज में है। हजार की रेंज में सारे सूट है आप देख सकते हैं, बहुत ही रेडीमेड साड़ियाँ भी है 1200 में, जिसमें कि आपको बस जिसको पहनने नहीं आती हो बस लोग लेके पहन लो कोई दिक्कत नहीं है। फैब्रिक भाई 100 रुपये से स्टार्ट है फैब्रिक मीटर में, अगर आप बनवाना चाहें कोई भी सूट कुर्ती तो 100 रुपये मीटर से लेके 300 रुपये मीटर तक में है। ये कौन सा कपड़ा इसको बोलेंगे? इसको किंग हाफ ब्रोकेट बोलेंगे।
किंग हाफ ब्रोकेट वाले ये कपड़े हैं जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे कलर है। ये ऊपर वाले 300 मीटर है और 100 वाले ये होंगे मेरे, ये 200 रुपये मीटर। ये कढ़ाई है एम्ब्रॉयडरी, अच्छा 100 में। ये प्लेन जिसमें आप कुर्ता और प्लेन सिल्क है, आप दोनों बनवा सकते हैं, कुर्ता पजामा दोनों, या फिर आप चाहे पजामा भी बनवा सकते हैं। तो ये आप अगर बनारस के हैं तो बनारस में रेवड़ी, कहाँ पे? रेवड़ी तालाब पार्क में जाके भाई की शॉप पे विजिट कर सकते हैं। ये प्योर की साड़ी है, कतान भाई कतान। प्योर साड़ी है कतान भाई कतान, बनारस की स्पेशल साड़ी है। अच्छा हैंडवर्क में है, पूरी हैंडमेड साड़ी है। कितने की है ये? 17,000 की। लेकिन क्वालिटी अगर मैं देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अभी ये लखनऊ में भारत महोत्सव में 14 दिसंबर तक के हैं, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। शॉप नंबर है इनकी 13 शॉप नंबर है, तो आप यहाँ पे आके भाई से विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में सारे कपड़े, सूट, साड़ी, फैब्रिक जो भी आप लेना चाहें विज़िट कर सकते हैं। और अगर बनारस के हैं तो आप बनारस में रेडियो का तालाब के पास में वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू भाई जी। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। मोहम्मद जुनैद भाई है, यहाँ पे आपकी शॉप नंबर कितनी है? B11 में है। यहाँ पे पूरा तंदूरी और स्टीम का जितने भी आइटम है यहाँ पे है। आप एक बार मैं पूछती हूँ, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक तंदूर है मैम, इसमें आप तंदूरी रोटी, नान, पिज्जा, पराठा, बिस्किट, केक, बाटी, लिट्टी सब कुछ बना सकते हो। सब कुछ बना सकते हो। बनाना बहुत ईजी होता है, सिंपल तवे की तरह यूज करना है। जैसे हम घर पे तवा यूज करते हैं, तवा पर्पज है। तवे पे क्या रोटियों को रिटर्न करना पड़ता है, इसके अंदर सिंपल बेल के डालो, बिना उल्टे पुलटे बनाओ। अच्छा रोटी भी तैयार हो जाएगी? पिज्जा, बिस्किट, नान कटाई, रोस्टिंग, टोस्टिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, बारबेकिंग, बारबेक्यूइंग सारे काम करेगा। सारे काम ये कर लेगा। अच्छा इसको यूज़ कैसे करना है वो बता दीजिए। सिंपल है मैडम, इसको यहाँ पे प्लग लगाना है लाइट का, 15 एम्पियर का प्लग है इसका, वहाँ पे यूज करना है। उसके बाद इसे सिंपल तवे की तरह यूज करना है। ये वॉशेबल होता है, पूरा ट्रे धो सकते हो आप, जैसे घर में बर्तन धोते हो सिंपल। ये पेपर भी आपको साथ देंगे। अच्छा ये कैसा ग्रिल देंगे जिसपे पनीर टिक्का वगैरह बनाने के लिए। अच्छा इस तरह से यहाँ पे ये भी मिलेगा, ये ब्रेड टोस्ट करना, नान बनाना, मक्का की रोटियाँ बनानी है, सब कुछ सारा कुछ यहाँ पे एक चीज में मल्टीपर्पज है। एक चीज में सारा कुछ बना सकते हैं, यहाँ तक कि प्लेन रोटी भी आप बना सकते हैं। पिज्जा खाना है तुरंत तो आप अपने हिसाब से हेल्दी पिज्जा भी इसमें बना सकते हैं। माइक्रोवेव, ओवन, रोटीजी, तवा, टोस्टर, ग्रिलर सबका काम करेगा। खाना गर्म करोगे ना तो इसके अंदर घर का कोई भी बर्तन डाल सकते हो आप। अच्छा कोई भी बर्तन में आप इसमें गर्म कर सकते हैं, जैसे हम ओवन में गर्म करते हैं तो ओवन वाले बर्तन ही हमें यूज़ करने पड़ते हैं, बट इसमें आप घर के कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए बना के भी इन्होंने रखा है, वहाँ पे भैया बना भी रहे हैं और हमने टेस्ट भी किया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं मल्टीपर्पज। इधर स्टीमर भी है, हाँ वो स्टीमर भी है। अच्छा इसकी प्राइस क्या है? प्राइस तो इसका MRP प्राइस है 4,590, बट यहाँ पे 1,000 का डिस्काउंट चल रहा है, 3,590 का मिलेगा। 3,599 में आपको ये मल्टीपर्पज चीज़ें मिल जा रही है, 2 ईयर्स की गारंटी है इसकी। ये हाईटेक का, हाईटेक इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसका जो सर्विस सेंटर लोकल में, सर्विस सेंटर हमारा ये कौन सी जगह है सर्विस सेंटर? लखनऊ में लोकल सर्विस सेंटर है, हमें एड्रेस वगैरह सब देते हैं इस पर। अच्छा ये सारा आप यहाँ से परचेस करते हैं तो आपको सर्विस सेंटर का एड्रेस भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे सर्विस भी करा सकते हैं अगर कुछ दिक्कत होती है तो, नहीं तो फिर आप आराम से यूज़ कीजिए। और इसके साथ में ये शेट भी मिलेगी। इसका क्या यूज़ होता है? ये मसाले वाली चीज़ों के लिए, लिक्विड वाली जो मसाले वाली चीज़ें हैं वो आप ट्रे पे लगाओगे तो मसाला चिपक जाएगा, इसलिए ये पेपर देंगे आपको साथ में, सेफ के लिए कि ये ज़्यादा गंदा ना हो, तो इसलिए पेपर आपको 7 सीट वगैरह डायरेक्ट बनाएंगे आप। नान वगैरह सारी चीज़ें डायरेक्ट, मक्का की, बाजरे की, कोई भी रोटी है सारे। ठीक है यहाँ पे अभी लखनऊ में अगर कहीं पे आपकी शॉप है? मैडम ये शॉप पे बिकने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये डेमो कहीं भी शोरूम में सर्विस सेंटर है, सेल पॉइंट कहीं नहीं होता इसका। इसके अलावा ऑनलाइन आता है ओनली, यहाँ पे डेमो के साथ सेल कर रही हूँ। अच्छा ऑनलाइन अगर आप परचेस करना चाहें तो ऑनलाइन में ये मिल जाएगा, अमेजोन वगैरह सब पे, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको ये मिल जाएगा हाईटेक का। और सर्विस सेंटर आपको लोकल एरिया में अपने मिल जाएगा, लोकल लखनऊ में आप कहीं भी, एड्रेस भी भैया बताएंगे और सारी चीज़ें डिलीवर भी, डिस्काउंट भी 1,000 का चल रहा है। तो अभी यहाँ पे मौसम एक बार फिर से बता दूँ, 14 दिसंबर तक की है, तो आप यहाँ पे आकर के ये परचेस कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। ओके थैंक यू भैया। ये सारे स्टीम के हैं, आप इसमें देखिए इस तरह से स्टीम, जैसे डेमो में भी दिखा रहे हैं, तो आप स्टीम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ढोकला वगैरह बना सकते हैं। ये तो यहाँ पे ये सारे देखिए पूरे स्टॉल में, इस रो में पूरे कपड़े वगैरह ही थे और कुछ एसेसरीज थी जो यहाँ पे मैं बाद में विजिट भी करती हूँ।
और यहाँ पे सब स्टॉल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। जूतियाँ थी, मोजरी थी, तो यहाँ पे मोजरियाँ बड़ी खूबसूरत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाली जूतियाँ मोजरियाँ थी। तो यहाँ पे जो प्राइजेस स्टार्ट हुई थी मोजरियों की, वो 350 से स्टार्ट थी और ये 850 तक की रेंज में था। उसके बाद मैं वापस यहाँ पे आ गई ज्वेलरी की, ये जो स्टॉल था वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। और आप यहाँ पे ये देखिए, ये गजरा है जो बांधने का, ये 40 रुपीज़ में था। और इस तरह से यहाँ पे जो इयरिंग्स यहाँ पे सामने हैं वो 100 रुपीज़ में थी। उसके बाद वहाँ पे ये सारे, फिर हम लोग आ गए राजस्थानी अचार की स्टॉल पे, अचार मुरब्बा यहाँ पे बेहतरीन तरीके का, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अचार थे। एक एक चीज़ के तीन तीन फ्लेवर, तीन तीन डिज़ाइन के अचार बने हुए। जैसे मिर्च है तो उसके तीन तरह के अचार, बेल का 16 है ब्लॉक ए में, और फर्स्ट लाइन में ही ब्लॉक ए में 16 शॉप नंबर है। और ये भाई यहाँ पे कश्मीरी शॉल सूट सारे बहुत ही ज़्यादा, एक बार पूरा दिखा दें कितना ज़्यादा खूबसूरत, मतलब कश्मीरी चीज़ें ही कहने से ही, मतलब कश्मीरी शॉल हो सूट हो, वो अपने आप में एक खूबसूरत सी चीज़ दिमाग में आ जाती है वहाँ का पूरा हर चीज़। तो नाम जान लेते क्या आपका? मोहम्मद शफी नाम है इनका। और सूट का कलेक्शन पूछ लेते हैं, ये सारे सूट लगे हुए, सिर्फ ये दुपट्टे साथ से सूट है? दुपट्टे साथ भी है, दुपट्टे के बगैर भी है। तो ये वाले दुपट्टे वाले हैं? ये दुपट्टे के बगैर है। अच्छा, क्या प्राइस होगी इनकी? ये 700 का सूट, 700 का सूट है। इसमें दुपट्टा नहीं होगा यानी शॉल नहीं होगी, इसमें आपको पैजामे के लिए और कुर्ते के लिए मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एम्ब्रॉयडरी है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पीस निकाला है भैया ने, और इसको देख लेते हैं। ये दुपट्टे के साथ है? ये दुपट्टे के साथ है, ऑल ओवर वर्क है, आरी वर्क में, आरी वर्क है ये वर्क। कश्मीरी लैंग्वेज में आरी वर्क बोलते हैं, कश्मीरी लैंग्वेज में आरी वर्क बोलते हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं थ्रेड वर्क। तो ये देखिए इसका शॉल, ये तो माशाल्लाह बड़ा ही ज़्यादा ही खूबसूरत है। ये पूरा दिखाते हैं ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दुपट्टा इसका है, और सूट तो बाद में है, लेकिन बहुत से हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कोई सूट परचेस करते हैं तो दुपट्टे की वजह से भी बहुत सारे सूट ऐसा होता है कि ले लेते हैं, दुपट्टा बड़ा अच्छा है। तो उसी में से ये एक पीस है जो कि बहुत ही खूबसूरत सुर्ख रेड कलर में, और इसका काम तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्या प्राइस है इसकी? 3000 का ये सूट है, लेकिन अगर लखनऊ की बात की जाए, यहाँ पे 3000 का सूट उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वर्थ प्राइस है, उस हिसाब से महंगा नहीं है। इसी के साथ नहीं, अलग है ये, सिर्फ शॉल है, पश्मीना शॉल, जो कि नाम बहुत सुना हुआ है पश्मीना शॉल। और ये बाकी शॉल के हिसाब से बिल्कुल भी वेटेड नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है। और इसकी आप लंबाई चौड़ाई देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत, इस पर एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही ज़्यादा जरी वर्क है, थ्रेड वर्क है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इसकी प्राइस क्या है? ये 8000 का, 8000 का पश्मीना शॉल, जो कि नाम बहुत सुना हुआ है पश्मीना शॉल। अब वो सामने जो, अच्छा ये जो सामने वाला प्राइस शॉल है उसकी प्राइस क्या होगी? वो भी इसी रेट का है, 8000 वाला। 8000 में एक शॉल है, एक वो बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर, बहुत ही खूबसूरत कलर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा वो शॉल है, 8000 रुपये में पश्मीना शॉल। और एक और ये कौन सा? कहानी वर्क में, कानी वर्क इसको कश्मीरी लैंग्वेज मेरे ख्याल से बोलते हैं कानी वर्क। 35,000 का है कानी वर्क में, और इसकी भी लंबाई चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छी। और सबसे प्यारा तो ये वाला सूट लगा, और पश्मीना शॉल वो सामने का आप देखें, अगर आप आ रहे हैं तो एक बार आ रहे हैं यहाँ पे तो ए ब्लॉक में 16 नंबर की शॉप पे विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भाई की शॉप पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से कलेक्शन है, जिनको कश्मीरी लेने का शौक है वो लेना चाहते हैं और बहुत ही अच्छा ढूंढ रहे, ओरिजिनल ढूंढ रहे, तो इस शॉप पे ज़रूर विजिट कीजिएगा भाई की शॉप पे। और ये खूबसूरत सा दुपट्टा शॉल है, ये देखिए, मतलब अगर इस टाइम वेडिंग सीजन भी चल रहा है तो अभी सब लोग वेडिंग सीजन में वुलन सूट शॉल तो दे रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि आप पश्मीना शॉल दें किसी को गिफ्ट करें। बहुत ही खूबसूरत सा कलेक्शन है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और बहुत ही एकदम रीजनेबल प्राइस में 3000 का वो सूट, जो जिसकी मैं मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा सूट, वो सिर्फ 3000 रुपये में। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो इस तरह का ओरिजिनल पीस आपको 3000 में तो नहीं मिलेगा, आप चाहे अमीनाबाद गड़बड़ झाले भी चले जाए तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू भाई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे बैग के कलेक्शन थे, और यहाँ पे स्टॉल था राजस्थानी अचार का था, और ये स्टॉल नंबर जो 17 था, यहाँ पे आपको 30 रुपये से स्टार्टिंग में आज से लेकर के आपको 8,500 तक के रेंज में ये शो लैम्प जो है वो मिल रहा था, बड़ा ही खूबसूरत। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, लेकिन अगर आपको
ओरिजिनल चाहिए तो आप शॉप नंबर 16 पे जो मैंने बताया वहाँ पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। और ये जो गोल्डन है ये 100 रुपीज़ पर पीस में था जो कि कैंडल के, और ये पेन 30 रुपीज़ में ये पेन था, बड़ा ही खूबसूरत था, जो आफ्ताब ने एक लिया भी था और वो टूट भी गया तो ये बड़ा खूबसूरत पेन था। और ये लैम्प तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गजब का अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में था। मेरा नाम सलमान है मैडम, जस्ट ये देखिए हैदराबाद में, ये देखिए कुछ भी ऑयल में फ्राई करते हो ना, ये कंपनी सुमित मिक्सी वालों का है, ये जस्ट सुमित मिक्सी कंपनी का है, ऑयल फ्री स्नैक्स में करें, कुछ भी ऑयल में फ्राई करने वाला डायरेक्ट लेके इसके अंदर आप डाल दीजिए, ऑयल में जैसा डीप फ्राई होता है बिना ऑयल का इसके अंदर आपको फ्राई होते रहता, ऊपर ऐसा कवर आएगा आपको, कवर लगा दीजिए ऐसा लॉक होता है, ये 20 से 30 सेकंड के अंदर पूरा ऑयल में जितना डीप फ्राई होता है विदाउट ऑयल का इसके अंदर आपको फ्राई हो जाता है, आपको पूरा फ्राई हो गया, उसके साथ मशीन के साथ एक स्टिक मिलेगा आपको, जब ऑयल में जो फ्राई होता है ना स्पून यूज़ करते हो, ये वुडन वाला स्टिक है, जब बन के बाहर आ रहा है एक सेकंड स्टिक लेकर होल्ड करके रख देना, जितना ऑयल में डीप फ्राई होता है विदाउट ऑयल का अंदर फ्राई होते रहता है, ये पूरा फ्राई हो गया जस्ट स्टिक निकाल दीजिए, अपना पैसा बनके पूरा बाहर आ जाएगा आपको, जस्ट स्टिक निकाल दीजिए बनके बाहर आ जाएगा आपको। सर घर में पापड़ वगैरह बनाना है एक साथ में आप 6 पापड़ बना सकते हो, नॉर्मली घर में पापड़ कैसा स्टोर करते हो हार्ड होता है, गर्म में थोड़ा नरम लगेगा, ठंडा होने के बाद खाना, पापड़ को पहले जस्ट ऊपर रख देना, पापड़ ऐसा गर्म में पापड़ नरम हो जाएगा, जैसा पापड़ बन रहा है फुल्का चपाती परोठा ऊपर रख, जैसा पापड़ गर्म में पापड़ नरम हो जाएगा, नरम होने के बाद पापड़ को फोड़ करके एक साथ में 6 पापड़ अंदर डाल देना, एक बनने के लिए 20 से 30 सेकंड समय लगेगा, सेम 6 पापड़ बनने के लिए आपको 20 से 30 सेकंड समय लगेगा, घर में इतना थाली वाला बड़ा वाला पापड़ होगा, बड़ा पापड़ आपको ऐसा वन साइड हो जाएगा, बड़ा पापड़ ऐसा वन साइड हो जाएगा, होने के बाद पलटा के सर डायरेक्ट दो तरफ डाल देना, पापड़ आपको जितना रोस्ट करना है ना पापड़ उतना रोस्ट होता रहता, ये देखिए पापड़ भी आपको सब बन गया, अभी टेस्ट करके देखो सर ठंडा हो गया, गर्म में स्वाद नहीं आएगा ना, ठंडा वाला खा के देखो सर, लेकिन टेस्ट सर खा के देखिए, ठंडा वाला टेस्ट करिए मैडम, ठंडा वाला देखिए पापड़ भी आपको पूरा हो गया, जस्ट निकाल दीजिए गर्म में पापड़ को, जस्ट एकदम क्रंची होता है, ये देखिए मैडम पापड़ देखिए, ये पापड़ भी बन गया सर। घर में पॉपकॉर्न वगैरह बनाते हो घर में, नॉर्मली ये भुट्टा है, ऐसा भुट्टा ले लेके डायरेक्ट इसके अंदर डाल देना सर, ये आपको प्लेन वाला पॉपकॉर्न है, अभी जैसे कि अंदर मसाला चाहिए, नमकीन चाहिए, बटर घी वगैरह चाहिए, कैरमेल टमाटो चॉकलेट, आपको जो फ्लेवर चाहिए वो फ्लेवर थोड़ा बटर या मक्खन लेके अंदर डाल दो, मसाला वगैरह इसके अंदर मिक्स कर दो, आपको मसाला वाला कॉर्न भी बन जाएगा। आपको ये मेजरमेंट कप है, ये आपको 50 ग्राम का मिलेगा, ये 50 ग्राम का है, इसमें 250 ग्राम क्वांटिटी बैठेगा इसके अंदर, सर ये कंपनी का कॉस्ट है मैडम 3790 का है या 2490 में दे रहे हैं मैडम विदाउट टाइम, जैसे मैडम ये रहेगा पॉपकॉर्न अपना बनना शुरू होगा, पॉपकॉर्न रेडी होगा, ऊपर से कवर लगा देना, जस्ट ऊपर से कवर आएगा बन जाएगा पॉपकॉर्न अपना बन के बाहर आते रहता है, इसे डेमो रखा ना सर, यहाँ पे लोकल में सर्विस सेंटर है, लखनऊ में सर्विस सेंटर है, वालेटन चौराहे पे कंपनी का सर्विस सेंटर आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स सर, अपना ये ओडियन है ना, बगल में अपना हाथ। तो अभी हम लोग आ गए हैं फूड सेक्शन में और यहाँ पे हापुड़ का मशहूर पापड़ है, तो बड़े बड़े आंटी बना रही, पूछते हैं कितने की है, आंटी जी ये पापड़ कितने की है, 20 का, 30 का एक ऐसे मसाला लगा के देंगी ना, मसाला वाला पापड़ है। और यहाँ पे बॉम्बे टोस्ट सैंडविच बर्गर है, यहाँ पे पूरा फूड वाला सेक्शन है, तो आप पीछे के साइड में है ये, आगे आप शॉपिंग कर सकते हैं, पीछे के साइड में पूरा सेक्शन है, जो भी आपको खाना है, तंदूरी चाय राजनंदनी बाटी चोखा हापुड़ का पापड़ स्मोक बिस्किट भी है, स्पेशल लस्सी है, सब कुछ है, मतलब जो भी आपको खाना है यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप खा सकते हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा सेक्शन है ये फूड वाला, तो आप यहाँ पे पीछे बस चले आना है, आपको पीछे में आपकी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए तंदूरी चाय जब भी आइए ज़रूर पीजिएगा, कि बहुत बेहतरीन होता है। वाहिद की बिरयानी भी, लखनऊ की फेमस वाहिद बिरयानी भी है, दिल्ली का शुद्ध शाकाहारी टिक्की है, तो ये यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे अमेरिकन भुट्टा भी है, तो जो लोगों को पसंद है यहाँ पे आके यहाँ पे बढ़िया से अपना जो भी खाना पीना आप लोग खा पी सकते हैं, ज़रूर विज़िट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इधर के साइड में भी है, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ खा पी के फिर हम लोग आगे चलते हैं। आप भारत महोत्सव जाते हैं तो यहाँ की पुणे की स्पेशल तंदूरी चाय पीना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट, बहुत ही अच्छा, ये देखिए पूरा मैंने यहाँ पे कैप्चर भी किया है कि किस तरह से तंदूरी चाय बनाते हैं और कितना उसका जो टेस्ट आता है कुल्हड़ में जो सौंधा सौंधा सा वो कितना अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। जब आप पीछे फूड सेक्शन की तरफ जाएंगे तो फ्रंट में ही इनका ये स्टॉल है पुणे का स्पेशल, तो 30 रुपीज़ यहाँ पे पहले आपको टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद आपको पर ग्लास 30 रुपये का आपको ये एक कुल्हड़ चाय मिलती है। पावड़ा राजस्थानी रेस्टोरेंट, यहाँ पे दाल बाटी चूरमा, आप यहाँ पे पूरा मेन्यू देख सकते हैं और यहाँ पे आप आकर के खा सकते हैं।
तो अभी हम लोग इस सेक्शन में आ गए एक मशहूर फेमस स्टॉल पे, जो कि मेरठ का मशहूर तो नान खटाई है। और ये भैया है, भैया का नाम एक बार जान लेते हैं। क्या भैया? देवपाल। देवपाल भैया हैं जो कि नान खटाई मेरठ की स्पेशल चीज है। तो हम एक बार इसे टेस्ट भी करेंगे, टेस्ट करके बताएंगे कि ये टेस्ट भी कैसा है। हाँ तो भैया टेस्ट कराइएगा। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं। जिनको भी कुकीज़ का बहुत शौक है, जो कुकीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए बेस्ट है। इतना मुंह में घुलने वाला टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसकी प्राइस जान लेते हैं। क्या प्राइस क्या है भैया? कितने? 500 रुपये केजी। 500 में आपको एक केजी मिल जाएगा। 500 रुपये किलो का है ये। और ये क्या कैसे बनता है? ये मूंग दाल ड्राई फ्रूट देसी घी को मिक्स करके। मूंग दाल ड्राई फ्रूट देसी घी को मिक्स करके फिर उसको आप कोयले पे बेक किया जाता है। वहाँ पे देसी स्टाइल में कोयले पे वहाँ पे चल के दिखाते हैं। ये इसको बेक करने का ये एकदम देसी स्टाइल है। कोई अवन कोई तंदूर नहीं। ये देखिए नीचे भी गरम है ना, नीचे भी है, नीचे भी कोयला इसके दिया हुआ है स्टीम गरम के लिए, ऊपर से भी। और बीच में इसको रख के बेक करते हैं, मतलब बिल्कुल भी एकदम कोई अवन कुछ भी इसका यूज़ नहीं है, एकदम देसी स्टाइल में है। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम मुँह में एकदम से मेल्ट होने वाला है। और यहाँ पे साथ में एक और चीज़ है, जलेबी। जलेबी क्या है? ये है जलेबा। जलेबी सबने खाई है, लेकिन जलेबा अगर जिसको ट्राई करना है तो यहाँ पे आ जाओ। ये जलेबा कितने की है? 100 रुपये की एक जलेबा है। और वैसे जलेबी कितने किलो है? 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो की है। तो कुछ स्पेशल चीज़ है इसमें? सर ये देसी घी का है। अच्छा, ये टोटल देसी घी, मतलब नान खटाई भी आपको देसी घी में मिलेगी, ये जलेबी भी आपको देसी घी में फ्राई मिलेगी। और ये जलेबा लेना है तो आप जलेबा 100 रुपीज पर पीस है जी। और जलेबी लेनी है तो 500 पर केजी है। तो देसी घी में है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पूरा स्टॉल शुद्ध देसी घी से निर्मित जलेबी है। और यहाँ पे आप ज़रूर आइएगा, ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। 500 रुपये किलो का है। तो उसके बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा ये भारत महोत्सव लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा पीछे तक, बहुत ज़्यादा वहाँ पे झूले का लास्ट में बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पे पान आप खा सकते हैं, किसी भी टाइप का स्मोकी पान, ये वो पान बहुत टाइप का। और उसके बाद हम लोग फिर से अंदर की तरफ आते हैं। और यहाँ पे साइड में अभी आप देखेंगे जूस का है, जो कि 2100 कुछ रुपये में देते हैं जूस के लिए। और यहाँ पे ये तुलसी जी का आपको अपने घर में लगाना है। फाउंटेन है, वो पत्थर के संग मरमर के जो फाउंटेन मिलते हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं। कालीन यहाँ से आप ले सकते हैं अपने पसंद की, जिस भी साइज़ में आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चों का फंक्शन चल रहा था, मतलब वहाँ पे कुछ डांस प्रोग्राम वगैरह चल रहा था, तो वहाँ पे ये साइड में चलो। यहाँ पे बुक भी, जिसको बुक पढ़ने का शौक है तो साइड में बुक स्टॉल भी था, वहाँ से आप अपनी पसंद की बुक ले सकते हैं। और यहाँ पे फिर से मैंने कोशिश किया कैप्चर करने के, लेकिन थोड़ा सा दूर रह गया। और ये देखिए पूरा जो महोत्सव लगा हुआ है, ये यहाँ पे बैनर इसका, और ये बिल्कुल वहाँ तक आपको दिख रहा है जहाँ पे झूले लगा हुआ था, वहाँ तक ये है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक का लगा हुआ था, वहाँ तक मैं नहीं जा पाई, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता इस वजह से। और यहाँ पे मैं पूरा, हम लोग निकलने वाले थे, और यहाँ पे देखिए ये एंटर करते वक्त यहाँ से आपका वेलकम करने का एक बैनर लगा हुआ। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो